डिफेंडर एक फॉरवर्ड है, अभी उधर से जाना है, ये तुम्हारे पीछे रहेगा, अभी मेरे साथ में है, अभी जब मैं मांगेंगे तब देंगे, ठीक है, ये मेरे साथ रहेगा, ये हमको टैकल करेगा, ठीक है, मुझे लगा ये मैन क्लोज में तुमको उसको डॉज देना है, इधर नहीं मिलेगा, इधर जाके लो बोल, ठीक है, अभी हमने इधर दिया, क्या क्या बहुत हार्ड पास होते हैं, नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है छोड़ के जाना पड़ेगा, उसके साथ में छोड़ नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा, जाओ छोड़ना नहीं, जाओ जाओ गुड गुड वन, हाँ फिर दे पास, चेंज करो चेंज करो, दे रहा मांग रहा है, क्या देख रहा है, अरे बॉल में जो मैक्सिमम जो जो जितना इंडिया का हाईएस्ट जितना भी टूर्नामेंट है 1988 में एशियन एशियाड खेला है 1988 का एशियन गेम्स प्लस 95 में प्री ओलंपिक अगेंस्ट पाकिस्तान भी गोल किया मैंने वहाँ पर एक मेरा गोल था पहला गोल और दूसरा गोल भाईचुंग भूटिया ने किया था के बाद हम लोगों ने ओमान के अगेंस्ट भी खेला है पाकिस्तान ओमान और जो है बांग्लादेश फिर एशियाड में भी काफ़ी टीमों के साथ खेला गया है जापान नॉर्थ कोरिया नेपाल उज्बेकिस्तान इसके बाद एशियन कप भी खेला है अभी जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है एशियन कप का वो मलेशिया में खेला हम लोग ने अगेंस्ट इंडोनेशिया और मलेशिया अभी इंडिया वो राउंड खेल रही है अभी इंडिया क्वालिफाई हो जाएगी शायद कल ही एक मैच हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का इंडिया और अफगानिस्तान का हुआ है इंडिया जीती है 2-1 उसके अलावा भी काफ़ी जो है रशिया में गए थे खेलने फ्रेंडली टूर बांग्लादेश गए काफ़ी उस समय जो है 95 से लेकर 98-99 तक उस वक्त जो है सभी टूर्नामेंट खेले इंडिया का उसके बाद क्लब में भी खेले हैं तो जैसे डुरन कप में 98 में बेस्ट प्लेयर थे हम जो इंडिया जो एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का सेकंड नंबर का टूर्नामेंट है जिसमें हम जो है महिंद्रा यूनाइटेड से खेलते थे और ईस्ट बंगाल को फाइनल में हराया हम लोग ने वैसे इंडिया का मैक्सिमम ही टूर्नामेंट जीते हुए हैं फेडरेशन कप है और मैकडोवल कप है दो बार जीते हैं बादोलई कप है आपका IFA शील्ड है एयरलाइंस कप है और आई लीग में भी सेकंड पोजीशन रहे हैं अभी इंडिया में जो है अभी इम्प्रूवमेंट तो है काफ़ी ग्रास रूट पे और काम होना बाकी है इंडिया में क्या है ग्रास रूट लेवल पे काम बहुत कम हो रहा है अब हमारे यहाँ भी देख लिया ग्रास रूट के लिए जो ग्राउंड है हमारे पास ग्राउंड नहीं है अब लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज नहीं है ग्राउंड भी हार्ड है ग्राउंड है भी नहीं है भी तो बहुत हार्ड है बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए प्रॉपर कोचिंग के लिए अच्छा ग्राउंड चाहिए अभी हम यहाँ पे तो हम आए कुछ दिन के हम तो चले जाएंगे लेकिन ये ग्राउंड की जो हाल है ग्राउंड अनइवन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ग्राउंड थोड़ा अच्छा रहेगा तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है जो यूरोप में जो हाल है यूरोप में जो फैसिलिटीज़ है प्लेयर को वो काफ़ी अच्छी है जो इसलिए उनका स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन रहता है इंडिया में अभी इसमें टाइम लगेगा कोशिश हो रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोशिश कर रही है लेकिन खाली उसके कोशिश करने से नहीं होगा ये जो है आपका एवरी स्टेट एवरी डिस्ट्रिक्ट सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा इसमें जब तक एक साथ नहीं आएंगे फुटबॉल ग्रो नहीं करेगा हम लोग इंडिया में तो खेलते हैं पहले फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड हुआ करता था टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे यहाँ फुटबॉल हुआ करता था यहाँ से बहुत शानदार प्लेयर निकलते थे उस वक्त एक प्रॉपर बड़ा ग्राउंड था यहाँ से कितने इंटरनेशनल निकले हैं हमको भी काउंट नहीं है और कितने नेशनल तो बहुत ही प्लेयर हैं अब अगर हम तो हमारे पास गिनती भी नहीं है
चार पांच तो इंटरनेशनल जो है जो टॉप क्लास खेले हैं, बड़े बड़े क्लबों में खेले हैं। मैं भी मोहन बगान ईस्ट बंगाल इंडिया के टॉप क्लब में खेल के आए हम, और हम कैप्टन भी थे महिंद्रा यूनाइटेड के 3 साल। उसके बाद यहाँ पर और भी प्लेयर हैं जो नसीम अख्तर है, मुश्ताक अली है, अमन आलम भाई भी इंडिया खेले हैं, तो काफ़ी प्लेयर यहाँ से निकले और नेशनल प्लेयर तो अनगिनत है। अभी एक लड़का स्पेन में है, इनका लड़का अमन भाई का लड़का स्पेन में है, तो टैलेंट बहुत है, लेकिन वो टैलेंट आगे धीरे धीरे अगर ग्राउंड नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगा टैलेंट। और कोई ग्राउंड तो है नहीं कि बच्चे ये मोहल्ले के बच्चे गलत राहों में जाएंगे। फिर सबसे अच्छा है इनको बचाना है तो अब इनको स्पोर्ट्स की राह में जाइए, जहाँ बच्चे अपने आप को आएंगे, एक दो टाइम एक दो घंटा स्पेंड करेंगे टाइम, तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके माँ बाप के लिए अच्छा होगा। नहीं तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये इलाके में जाके कहीं ड्रग्स है, कोई पान गुटखा सिगरेट बीड़ी गलत राहों में जाएंगे। तो पहले यहाँ पर होता था कि पहले यहाँ पर मैक्सिमम एक फुटबॉल का माहौल हुआ करता था, हम तो यहाँ बहुत कम ही आते हैं, एक साल में एक ही बार आते हैं, तो इस बार आए हैं तो माहौल अब थोड़ा ठीक लगा, लेकिन ग्राउंड जो है बाहर से तो अच्छी दिख रही है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है और डर लगती है। छोटे बच्चों को तो चलिए ठीक है, बड़े बच्चों को डर है। और ये प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है, हम लोग इसके पहले आते तो पूरा बड़ा ग्राउंड मिलता था हम लोग को। हमने सुना कि यहाँ जब प्रॉमिस किया था उन्होंने ग्राउंड देने का, बिल्कुल भी नहीं दिया। प्रॉपर ग्राउंड नहीं होगा तो आप बच्चों को, ये तो खेल रहे हैं, देखिए आप इतने एरिया में 25 बच्चे खेल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इतने एक बड़ा ग्राउंड जो होता है उसमें हम लोग 11-11-22 प्लेयर खेलते हैं, तो वो एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। एक बड़ा कुछ भी नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है, गोल पोस्ट था पहले, कहाँ बच्चे खेलेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट वगैरह भी हुए, बहुत यहाँ नेशनल्स हुए हैं, लीग हर साल होती थी, हर साल यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं। ऑल इंडिया कितने टूर्नामेंट यहाँ हुए हुए हैं, और क्राउड पूरा पैक रहता था। अभी इन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया है, कोई आ भी नहीं सकता। तो ये जो कंडीशन है यहाँ भी, इससे तो हमें नहीं लगता है ये फुटबॉल का भला होने वाला है। फुटबॉल का भला करना है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारी सरकार से यही उम्मीद है। सरकार ने ये बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ बनाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये ग्राउंड बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझना चाहिए आने वाले के लिए, ये जो है भविष्य जो है खतरे में बच्चों का। अगर ग्राउंड मिल जाएगी तो यहाँ के बच्चों का, इससे क्या है, सिर्फ जो दुनिया का भला नहीं होगा, इसे स्टेट का भला होगा, इसे देश का भला होगा। तो हम लोग कंट्री के लिए, हम लोग ने कंट्री को के लिए मैच खेला, हमको मालूम है क्या अंदर से एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए है। मैंने पाकिस्तान का गेंद गोल मारा, वो हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर पेशावर में मैच चला इंडिया पाकिस्तान का, मैंने वहाँ गोल मारा, तो एक जो है प्राउड मोमेंट रहता है हम लोग के लिए। हाँ, यहाँ आए हैं तो अब समय मिल गया, क्योंकि मैंने जो है डिप्लोमा किया है NIS में, 1 साल का कोर्स है, NIS से पास किया, फर्स्ट क्लास पास किया था मैंने, और भी बाकी जो है जो फेडरेशन का होता है सी लाइसेंस भी किया था हमारे उससे रायन ग्रुप से जहां मैं पहले था, तो उसका इनको फ़ायदा मिले, इसलिए मैं अभी हम तो फिर चले जाएंगे 15-20 दिन में, लेकिन जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इनको शेयर करें, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो है जब बच्चे नहीं हैं तो प्रॉपर लोग मेहनत कर रहे हैं, बनारस स्पोर्टिंग क्लब के लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको ये दिखा के जाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत इनको दिखा दो, उनको आइडिया मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा।